तरह से थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया कि जनता और किसानों के द्वारा विधायक बने राम सनन वर्मा को किसानों की कितनी फिक्र है और वो किस तरह से किसान को धुतकार कर दलाल कह देते हैं। अब आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर जो बिल्कुल इसके उलट है, जहां पीलीभीत के ही जिलाधिकारी पुलकित खरे किसानों को पूरा मूल्य दिलाने के लिए किस तरह से मातहतों को फटकार लगा रही हैं। इनको बोले, इनको बोले। अभी बात करूं शासन में आपके खिलाफ, क्या काम कहा था आपको? आपको लगता है मैं आऊंगा नहीं? मैं रोज आऊंगा अब यहाँ पे। हमें आके बैठना पड़ेगा तो हम करा देंगे। नहीं, हम हैं सर, हम करने के लिए हैं। नहीं, तुम्हारे बस की नहीं हो रहा है तो हमें आना पड़ेगा, हम रोज आएंगे। किसान हमारे लिए सबसे ऊपर है। जी जी मत बोलो, 1200 मिल रहा है, आज कांटे बढ़वा रहे हैं सर। तो एहसान कर रहे हो? नहीं सर, कांटे बढ़ जाएंगे, आवक के हिसाब से बढ़ेगा। आवक नहीं थी तो बढ़ गया। आवक नहीं थी, यहाँ जितना पड़ा हुआ है धान सबकी नमी ठीक है और सब आरती उठा रहे हैं। क्यों क्यों उठा रहे हैं सब? समझ में नहीं आता तुम्हें? तुम्हारे सारे क्रैक इन पवारियों को मैं FIR कराऊंगा। हुए हैं जिनका धान बिल्कुल सही लेने या लायक है, तुम नहीं लेते हो, उस वजह से सरकार की बदनामी होती है। सुनो, चुप। वो किसान 1100-1200 में बेच रहा है जिसको 1868 मिल सकता है एक कुंटल का। हमें आके बैठना पड़ेगा तो हम करा देंगे। नहीं, हम हैं सर, हम करने के लिए हैं। नहीं, तुम्हारे बस की नहीं हो रहा है तो हमें आना पड़ेगा, हम रोज आएंगे। किसान हमारे लिए सबसे ऊपर है। जी जी मत बोलो, 1200 मिल रहा है, आज कांटे बढ़वा रहे हैं सर। तो एहसान कर रहे हो? नहीं सर, कांटे बढ़ जाएंगे, आवक के हिसाब से बढ़ेगा। आवक नहीं थी तो बढ़ गया। आवक नहीं थी, यहाँ जितना पड़ा हुआ है धान सबकी नमी ठीक है और सब आरती उठा रहे हैं। क्यों क्यों उठा रहे हैं सब? समझ में नहीं आता तुम्हें? तुम्हारे सारे क्रैक इन पवारियों को मैं FIR कराऊंगा।